हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो अभी यहाँ पे ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर एंड मेयोनीज देके उसके बाद मैं सलाद यहाँ पे कट के रखी हूँ, जैसे कि खीरा, टमाटर, थोड़ा सा क्रॉन दिए और प्याज, ये सब देके अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो रहा है। सो मुझे ये ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है, तो जल्दी जल्दी करके ऐसे ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज बहुत हड़बड़ी है इसीलिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पीयू। तो कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, होप कि आप सब भी बहुत अच्छे हो। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सो मेरा यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट रेडी। तो ब्रेकफास्ट के बाद अब से मिलती हूँ, स्टार्ट करें ब्लॉग। एक्चुअली काम ना बहुत है सुबह से, तो आज थोड़ा गेस्ट वगैरह भी आने वाला है एंड उसके बाद हमको भी थोड़ा बाहर जाना है एक मीटिंग में। तो ऐसे गेस्ट के सामने ब्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लगता है, तो बस वो आएंगे तो फैमिली फ्रेंड्स भी है, तो थोड़ा सा अभी तैयारी चल रहा है। तो यहाँ पे है शायद 1.5 किलो मटन है जी, जिसे मैं मैरिनेट करके रखी हूँ, और फिश भी लेके आए हैं एंड बाकी का जो भी खाना पीना होगा, जैसे कि लच्छा पराठा, बाकी सब यहाँ पे सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया पहले। एक्चुअली हम रेसिपी शेयर नहीं करेंगे क्योंकि मटन का रेसिपी हम बहुत बार शेयर कर चुके हैं। प्याज को पहले बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं एंड उसके बाद लहसुन, अदरक का पेस्ट, टमाटर, दही, दही से ये मैरिनेट किया हुआ था, हल्दी, नमक, बेसिक चीज़ जो भी पड़ता है उसी से करेंगे। इसको अच्छा से पहले चला लेते हैं, सारा मसाला अच्छा से चल जाएगा एंड कच्चा वाला जो महक है वो भी चल जाएगा। देन उसके बाद गरम पानी करके उसके बाद कुकर में इसे सीटी लगाएंगे। तो यही बात है एंड इसके साथ मेरा हस्बैंड तो नहीं, मटन नहीं खाता है, तो उसके लिए ये अंडा सिजा के रखे हैं एंड देन कावड़ा जो होता है उसका भाजी बनाएंगे और दाल में सारा सब्जी दे के अभी उसे सिजाने के लिए दिए हैं। दाल में जैसे कि मसूर के दाल में प्याज वगैरह एंड थोड़ा सा जो वेजिटेबल्स होता है ना, तो सारा कुछ दे के उसे, तो उसे वैसे ही सिंपल खाना बहुत पसंद है। तो चलिए बातें कम और काम जल्दी जल्दी करके दिखाते हैं, ब्लॉग में जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। कहाँ जा रही हो स्नेहा? मेरी दोस्त के घर का बर्थडे है। ओ, दोस्त का बर्थडे, गिफ्ट ली? नहीं, इसका कल बर्थडे है, हम लोग आज एडवांस बनाने जा रहे हैं। आज एडवांस बनाने जा रही है, कल उनकी मतलब सहेली का स्कूल का ही ना, उनका बर्थडे है तो उनके घर में जा रहे हैं। सबको बाय क्लोज फ्रेंड का बर्थडे है एंड उस दिन हम लोग जो रेस्टोरेंट में गए थे तो उसी रेस्टोरेंट में पार्टी भी है। कब है वो पार्टी? वो कल है। कल है पार्टी उन लोगों का। तो इन लोगों का ऐसे चलते रहता है, हर महीना कोई ना कोई दोस्त का पार्टी में रेस्टोरेंट में ही देते हैं। स्नेहा का, स्नेहा के जन्मदिन में भी दे देंगे ना स्नेहा। तो आज स्नेहा बहुत अच्छा एक फ्रॉक, मैं ही देख के ऑर्डर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो फ्रॉक। तो जब आएगा तो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, करेंगे, सॉरी शेयर करेंगे। बाय बेटू, सावधान से जाना, रास्ता में गाड़ी उड़ी इधर उधर जाता है, देख के जाना, ठीक है। तो ये आलू सिजा के रखे, तो थोड़ा सा आलू मैं मटन में अलग से भूज के रख दूंगी, मटन में नहीं दूंगी। अगर लगेगा तो वो भूज के लेंगे, तो वो झोल जो होता है ना मटन का, तो उसके साथ आएंगे। कढ़ाई को बैठा दिए हैं, अभी दे रहे हैं थोड़ा सा व्हाइट ऑयल, तो पनीर को यहाँ पे दे रहे हैं फ्राई करने के लिए। तो हल्का सा सॉटे कर लेंगे पनीर को, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, पनीर बहुत नरम है। तो गाजर फ्राई हो गया, तो हम ऐड कर दे रहे हैं थोड़ा सा कैप्सिकम, और यहाँ खारा गरम मसाला में दालचीनी, इलायची, जीरा, लौंग, हर चीज़ है, चार मिर्च, तो हर चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दी। तो अभी थोड़ा सा शॉर्टे करेंगे, थोड़ा सा ऐड किए तेज पत्ता, अभी इसका महक बहुत स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है। प्याज, टमाटर एंड ग्रीन चिली का पेस्ट, जीरा पाउडर,
ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, देंगे स्वाद अनुसार नमक, करते हैं थोड़ा सा केचप, ये केचप देने से थोड़ा सा मीठापन भी आएगा और खाने में भी टेस्ट लगेगा। मसाला भूज गया है, ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, जरा सा, दो बूंद पानी ऐड किए हैं ताकि मसाला और अच्छी। वाओ, तो गाइस मेरा मटन होके तैयार, देखिए कलर भी एकदम यम्मी यम्मी हुआ है और मैंने एक टेस्ट किया तो बहुत अच्छा लगा। तो ये हो गया मेरा मटन होके तैयार हो गया इधर, तो बस इधर भी मेरा लगभग हो ही गया, मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और अभी मैं ऐड करूँगी ये फ्राई किया हुआ पनीर। एंड ऐड करूंगी काजू पेस्ट। दो इलायची ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट। तो बहुत यम्मी हुआ है ये, तो सारा इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से एकदम जितना जिस पर ज़रूरत है वही दिए। एंड थोड़ा सा ये काजू पेस्ट जो था उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, वही कटोरी में काजू के काजू पेस्ट जिसमें करके रखे उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी ऐड कर दी थी। तो बस ये सिंपल सा पनीर होके मेरा तैयार। इसके साथ अब लच्छा पराठा बोलिए, कुलचा बोलिए, पराठा कुछ भी हो आप ट्राई कर सकते हो, तो बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड लास्ट में ऐड करूँगी ये मटन घी। तो बस ये गरम गरम सर्व करो और खाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा ये पनीर होके तैयार हो गया है, गाइस हो गया है लंच। ये है दाल जो बोल रहे थे जो सीज गया, तो बहुत सारा वेजिटेबल्स दिए, मसूर का दाल एंड थोड़ा सा क्या बोलते हैं कच्चा तेल ऊपर से दे दिए, तो उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को। ये है करेला फ्राई एंड ये है आलू परवल एंड डाटा देके जो सब्जी बनता है, सो वो एंड ये आलू फ्राई करके रखे हैं मीट में, जिसका ज़रूरत होगा ले लेंगे। ये है अंडा हम सिजा के रखे हैं, सलाद किए हैं, पनीर यम्मी सी पनीर होके तैयार हो गया है और इधर है मटन, सो मटन होके रेडी हो गया है एंड उधर राइस होके रेडी हो गया। तो गाइस मैं शाम को मिलती हूँ क्योंकि मेरा जाना है, उस समय तैयार होके आपके साथ मिलती हूँ। लंच कर लेते हैं और स्नेहा नहीं है, स्नेहा लंच नहीं करेगी, वो डायरेक्ट उसकी जो सहेली है दोस्त के प्री बर्थडे पार्टी में गई है, तो वहीं पे लंच होगा उसका आज। वो लोगों को चलता रहता है ऐसे ही दोस्त लोगों में, तो बस एंजॉय करने का लाइफ है, एंजॉय कर। हम भी बोले जाओ 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 एंजॉय कर लो, ऐसा मौका हर समय नहीं मिलता है। फिर स्कूल लाइफ हो जाएगा तो देन उसके बाद कौन कहाँ दोस्त बिछड़ के चल जाएगा, यही बात है, तो जाओ एंजॉय कर लो। तो आज है उनकी दोस्त का प्री बर्थडे, तो वो घर में ही पार्टी दे रहा है एंड कल देगा रेस्टोरेंट में, तो यही बात है, जाओ एंजॉय करो। ऐसे एसी का सर्विसिंग हुआ है तो अच्छा लग रहा है, एसी रूम में आके बहुत देर तक काम किए। ओह, और आज ये जो बेडशीट है मैंने बिछाई, आज सुबह ही आया है ये मीशो से, एकदम क्या बोलते हैं किंग साइज़ का है, कॉटन है, तो बहुत अच्छा। पिंक मेरा फेवरेट है, पिंक और येलो मेरा बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पिंक येलो एंड ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। सो मैं अभी नहाऊंगी, थोड़ा देर बैठ लेती हूँ, उसके बाद नहा के लंच करेंगे और स्नेहा पूजा देके आज गई है तो इसलिए एक काम मेरा करके गई है, तो इसलिए कोई यार ज़रूरत नहीं है, तो बस खाना पीना खाएंगे एंड उसके बाद रेडी होके उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये है साड़ी, मैंने वेयर कर ली हूँ और बहुत ही सिंपल से ही जा रही हूँ क्योंकि कोई भी मेकअप वगैरह नहीं की हूँ, आज जा रही हूँ मीटिंग में, तो बस थोड़ा सा हल्का लिपस्टिक अप्लाई की हूँ एंड अभी नहा के निकली हूँ। आज थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिला, मतलब खाना उना बनाते बनाते उसके बाद घर और सब कुछ क्लीन करते करते टाइम हो गया एंड उसके बाद नहा के झटपट करके साड़ी वेयर के लिए हूँ, तो अभी जा रही हूँ मीटिंग में, तो वहाँ पे महिला मोर्चा का मीटिंग होगा, तो वहाँ पे सारा मिनिस्टर वगैरह सब आ रहे हैं, तो मैं क्लिपिंग्स
लेने की कोशिश करूँगी अगर संभव होगा तो। एंड होप ये मेरा कदम जो हम जिस मैटर में जा मतलब जो भी हो सबके लिए ही सक्सेस हो, यही बहुत बड़ा बात है। सो वहाँ पे महिला मोर्चा की मीटिंग में हम जा रहे हैं अभी, तो वहाँ पे राज परिवार जी आएंगे तो मिनिस्टर आएंगे, तो जा रहे हैं अभी वहाँ पे मीटिंग होगा। थोड़ा सा क्लिपिंग लेने की कोशिश करूँगी अगर संभव होगा तो। मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं लेट हो रही हूँ, अभी हम जा रहे हैं, आके आपके साथ मिलते हैं। तो बापी अभी गाड़ी निकाल लिए हैं, चलिए घुसते हैं अंदर। जा रहे हैं, चलिए। बहुत गर्मी है, एसी ऑन करके बहुत अच्छा लग रहा है अभी। सो बस मैं एक फ्रेंड्स के घर गई थी, तो वहाँ से उसको पिकअप किए एंड उसके बाद आए यहाँ पे। तो मीटिंग में आ गए हैं अभी मिनिस्टर जो है और नगर मंत्री, हर कोई है जो जिला की मंत्री, तो वो लोग अभी आके नहीं पहुँचे। तो हम लोग ऐसे ही सब मिलके हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। तो आज हम लोग का कोट था ऑरेंज साड़ी, तो बस जैसा जिसके पास जो है वो लाए हैं, तो यहाँ पे आ गए हैं। और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, तो उस समय फ़ोटो जो भी क्लिक हुआ है तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अचीवमेंट मिला मुझे एंड मुझे सम्मानित किया गया है। तो मैं पहले आपके साथ ऐसा कभी शेयर नहीं की हूँ, बट यूट्यूब में तो जब हूँ तो आप लोगों को भी जानना पड़ेगा ना क्या हूँ नहीं हूँ, तो सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आ गए घर में और आके बस थोड़ा सा मतलब फ्रेश हुए, देन एसी के नीचे आराम कर रहे हैं। तो अभी आएगा जो हम लोग का फैमिली फ्रेंड्स है, तो आएगा तो मस्ती करेंगे। अगर कुछ क्लिप ले पाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके, तो अभी थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इवनिंग हो गया है, मुझे रेस्ट भी बहुत हो गया है। उसके बाद देखिए ये जो हमारे फैमिली फ्रेंड है, तो उन्होंने भी आया है मुझे बधाई देने के लिए। तो उसके बाद हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बातें अभी हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता ना सबके सामने। तो बहुत सारा बातें, तो बहुत सारा मस्ती भी हो रहा है, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं पार्टी में। तो इवनिंग में आया तो मेरा बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी जो आए थे दीदी लोग सो चले गए, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किए। और ये दीदी मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत क्लोज भी है। तो देखिए कितना सारा मिठाई लेके आए हैं, कितना सारा मिठाई लेके आए हैं। और ज़्यादा मतलब ऐसे ही खाना पीना हो गया और अभी हम लोग खाएंगे। थोड़ा सा गर्मी भी है तो अच्छा लगता है ना, वो मतलब चावल को ना भिगा के रखे हैं एंड ये जो आलू कट के रखे हैं इसका भाजी बनाएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में ये। तो बस यही बात है। तो आज बहुत मस्ती किए, बहुत एंजॉय किए सब मिलके। हाँ, बहुत एंजॉय किया आज। और मेरा वॉशिंग मशीन का बफर जो है थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मिस्त्री भी आया ठीक किया, तो अभी कवर पहना के रखे हैं इसे। और मेरा चिकू मिकू को कहीं नहीं जाना है, उसको सिर्फ एसी में रहना है। ये है चिकू एंड मिकू, देखिए इन लोगों को सिर्फ एसी में रहना है, कहीं नहीं जाएगा। स्नेहा आज बहुत अच्छा लगा, कल इनका फ्रेंड्स का भी बर्थडे है ना स्नेहा, फ्रेंड का बर्थडे है, तो फ्रेंड का बर्थडे है, कहाँ दे रही है फ्रेंड बर्थडे? उसके घर पे ही दे रही है बर्थडे पार्टी। तो आज था क्या एडवांस बर्थडे का, आज पार्टी था, कल बर्थडे पार्टी होगा दोस्त लोग मिलके। तो आज बहुत एंजॉय किए ना स्नेहा, आज भी एंजॉय किए, कल भी करेगी। तो स्नेहा सबसे पहले इसको ये बोले कि नहीं मम्मी पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हमको कहीं पे जाना है। तो चलो अच्छा बात है। तो यही बात, रीजन बता इनका रीजन क्या है, क्यों का रीजन बता, क्यों का रीजन मतलब बर्थडे पार्टी में जाएगी तो उसके पहले पढ़ लेना है, यही बात है। ज्यादा टाइम तक वहाँ पे देगी तो पहले पढ़ लेना, यही बात है ना।
पानी क्यों चला के रख दियो? हाथ धोना हो गया है, पानी बंद करो, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलो सब मिलके गुड नाइट बोल दो भाभी। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट सबको, सब अपना फ्रेंड्स फैमिली का ख्याल रखिए। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल, मिलते हैं एक नेक्स्ट दिन के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मजे में रहिए। मेरी और फैमिली फैमिली को बहुत सारा दुआ दीजिए, दुआ में याद रखिए, आप जो सब भी बहुत अच्छे से रहिए। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल।